नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे कि चिकन सूप एक आपका सिर्फ खाना या सूप नहीं है, ये एक मेडिसिन है, ये एक दवा है। ये ऐसी दवा है जो आपको कॉमन कोल्ड, फ्लू या कुछ वायरल इंफेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। जो कॉमन कोल्ड एंड फ्लू के सबसे कॉमन सिम्टम है वो है नेजल कंजेशन या स्टफी नोज, मींस नाक में जमा हो जाता है म्यूकस जिसको हम बोलते हैं, और नाक बंद हो जाती है। ये सबसे कॉमन सिम्टम है और चिकन सूप इन सिम्टम्स को कम करता है। तो आइए समझते हैं इसकी साइंस और साइंस बिहाइंड कि चिकन सूप कैसे एक दवा है। सो सबसे पहले होता क्या है कि चिकन सूप जो न्यूट्रोफिल होते हैं और WBCs होते हैं, न्यूट्रोफिल एक टाइप के WBC हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, फाइटिंग सेल्स हैं बॉडी में, उसकी एक्टिविटी को कम करता है। इसको बोलते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन को कम करता है। सो बेसिकली होता क्या है, जब आपको कॉमन कोल्ड या फ्लू होता है तो न्यूट्रोफिल्स जो कि तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये नेजल म्यूकोजा के पास जाते हैं, नाक में जो स्किन होती है अंदर की तरफ उस पे जाते हैं और वहां पर म्यूकस फॉर्मेशन करते हैं। अगर आप चिकन सूप ले रहे हैं तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये वहां पर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन है, वो वहां पर नहीं जाएंगे तो म्यूकस प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जब म्यूकस प्रोडक्शन कम होगा तो आपको नेजल कंजेशन, स्टफी नोज, नाक जमा होना, नाक बंद होना, ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट क्या होता है कि चिकन सूप ये जो म्यूकस बन रहा है इसको थिन कर देता है, थिक म्यूकस को थिन कर देता है। तो जब थिन कर देता है तो जो वायरस अगर म्यूकस में है भी तो वो बॉडी में एंटर नहीं कर पाता है, क्योंकि वो वहां पर स्टे नहीं कर पा रहा है, वो बह जाता है। तो हेंस वायरस के इफेक्ट को भी कम करता है, क्योंकि वायरस अंदर बॉडी में नहीं ट्रेवल कर पाता है। देन होता है चिकन सूप में एक तरह का प्रोटीन होता है, एमिनो एसिड्स प्रोटीन बनाते हैं, तो एक तरह का एमिनो एसिड होता है चिकन सूप में जो कि एंटीबॉडीज बिल्ड करता है, और जब एंटीबॉडीज बिल्ड होती हैं तो बॉडी का इंफेक्शन से फाइटिंग रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। देन चिकन सूप में होता है विटामिन ए, सी, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड कुछ मिनरल्स होते हैं जिनका एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होता है, एंड एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होने की वजह से ये आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करता है। और भी बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं बट इम्यूनिटी बिल्ड करता है, हेंस आपका फाइटिंग रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी बढ़ जाता है। देन चिकन सूप में होता है सेलेनियम। सेलेनियम आपके हार्ट के लिए गुड होता है, तो ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये चिकन सूप में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और ये हार्ट के लिए बहुत गुड माइक्रोन्यूट्रिएंट है। देन चिकन सूप में एक और चीज होती है, वो होता है सोडियम, और सोडियम क्या करता है, आपकी बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन रखता है। किसी भी इंफेक्शन में, किसी भी बीमारी में हाइड्रेशन, बॉडी में पानी की मात्रा मेंटेन रहनी चाहिए, हाइड्रेटेड रहनी चाहिए बॉडी, बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेटेड होते ही बॉडी में जो भी इंफेक्शन है, जो भी बीमारी हुई वो बढ़ जाती है। तो चिकन सूप लेने से आपको सोडियम मिलता है, सोडियम लेने से आप हाइड्रेटेड रहते हैं, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि बॉडी में फ्लूइड मेंटेन करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट मिलता है आपको सोडियम में, एंड सोडियम मिलता है आपको चिकन सूप में जो कि आपकी हाइड्रेशन को मेंटेन रखता है, एंड हेंस इससे आप इंफेक्शन से बेटर रिकवर हो सकते हैं। यहां पर एक डिस्क्लेमर है कि जो भी लोग हाइपरटेंसिव हैं, हाइपरटेंशन है, बीपी की बीमारी है या फिर हार्ट की कोई एलिमेंट है, वो थोड़ा ध्यान से ऊपर से सॉल्ट डालें चिकन सूप के अंदर, क्योंकि चिकन सूप के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा सोडियम होता है। तो फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो के द्वारा हमने ये समझा कि चिकन सूप सिर्फ एक सूप नहीं है, सिर्फ एक खाना नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर मेडिसिन है, और इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, इतनी सारी साइंस है जो कि एक्सप्लेन करती है, प्रूफ करती है कि चिकन सूप एक मेडिसिन है, एक दवा है। एंड इसका रीजन यही है कि इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं बॉडी के लिए जो गुड है। बट अब हमें यह जानना जरूरी है कि ये चिकन सूप एग्जिस्ट करता है थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से, एंड हेंस यही रीजन है कि हमारे बुजुर्ग, पूर्वज और उससे भी ओल्ड लोग जो थे, बेसिकली जो एज ओल्ड हम पढ़ते हैं किताबों में, उनके पास कोई दवाइयां तो थी नहीं, इतनी सारी एडवांस दवाइयां, उनके पास क्या थे, नेचुरल थिंग्स थी जिनकी नॉलेज थी, नेचुरल फूड सब्सटेंसेस की नॉलेज थी उन लोगों को, और उस नॉलेज को उन्होंने भरपूर यूज किया फॉर मेडिसिनल इफेक्ट, इसलिए वो लोग बिना दवाई के भी ठीक हो जाते थे। तो फ्रेंड्स,
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे अगले वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।